AKM, ये दो चीजें हैं, सोल शायद उतरते ही दिक्कतों में हो सकती है। बट कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है UP50 का, वो मेरे ख्याल से फाइट लेने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बैकफुट पे है, वो लड़ना नहीं चाहते, पॉइंट्स उनके पास नहीं है, वो चाहते हैं कि सर्वाइव करें, एंड दैट इज वेयर सोल को फायदा मिल सकता है इस बैटल का। बट गो अपलेन रणवीर का शिकार होते आपको नजर आ जाएंगे। अब मौका है, अब वो ओपनिंग मिल चुकी है जो UP50 को एनेबल कर सकती है अटैक करने के लिए। बट अक्षत एक AKM जरूर, और हम जानते हैं जब अक्षत अकेले होते हैं तो मैजिक जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर UP50 के प्लेयर्स देखिए आगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद इस समय योलो जो बटन है वो इनेबल कर दिया इन प्लेयर्स ने। हालांकि KSR के ऊपर शॉट साइज जरूरत है, एक और शॉट और अक्षत उनको डाउन करेंगे। रणवीर इस पूरे सिचुएशन के अंदर 13 गोलियां उनके पास, एक ग्रेनेड डेफिनेटली यहाँ पर कुक कर सकते हैं। अगर ग्रेनेड सही जाता है बहुत ज्यादा डैमेज प्लेयर्स को पड़ सकता है, सोल के प्लेयर्स उस एक एरिया में। आखिरी 13 गोलियां है क्या इनके पास, रीलोड कर जरूर है। रणवीर का ग्रेनेड गोब्लिन को वापस से डाउन करता हुआ, सोल के प्लेयर्स दिक्कतों में एक बार फिर से। अक्षत का इस बार एक खूंखार ग्रेनेड जाएगा, मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करते हुए। सरकार को भी स्पॉट किया जा चुका है, अक्षत के पास हेलमेट नहीं है, लेकिन यहां पर फाइट के लिए लगता है जज्बात बहुत ज्यादा बेहतरीन। हेक्टर खुद को हील करते नजर जरूर आ रहे, लेकिन इसके बाद फाइट नहीं पड़ सकते। रणवीर काफी करीब आ चुके और वहीं पर सरकार सामने की तरफ को मूव कर रहे हैं। हेक्टर को इस चीज को भापना पड़ेगा, भाप लिया है, जल लिया है। सरकार को भी स्पॉट किया जरूर जाएगा, हेक्टर के पास इतना अच्छा ग्राउंड है कि फाइट यहां से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव करें, वहीं पर एक रिवाइवल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हेक्टर नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइम। सोल के चारों प्लेयर्स तंदुरुस्त हैं, उनके पास 75 HP है, बट क्या इसके बाद फाइट निकाल पाएंगे वो इंपॉर्टेंट सवाल। और उसी चीज के बीच में रणवीर को डाउन की जगह गोब्लिन के द्वारा, गोब्लिन का गुस्सा यहां पर दिखता हुआ। KSR को भी डाउन करेंगे, ओमेगा पीछे से वो फ्रैग्स उठाते नजर आ रहे हैं। और अब देखते ही देखते UP50 ने उस सोए हुए शेर को जगा दिया है जो मिरामार में दहाड़ रहा है, और UP50 एक प्लेयर के साथ है। यहां पर सरकार जा जरूर रहे हैं, पर क्या जाने दिया जा रहा है वो एक सवाल, क्योंकि आप देखिए सोल के प्लेयर्स भी मूव कर रहे हैं। सरकार खुद को एक सेफ एंगल पर लेकर के आ चुके हैं, इस घर में शायद रुकना चाहेंगे, बट इज दैट इनफ? Well, let's see if that is going to be enough, because सरकार के पास कोई गाड़ियां नहीं है, और शॉट तो उनके ऊपर भी यहाँ पे आते हैं। मैं देख रहा हूँ कहाँ से ये शॉट पड़ा उनको, बट अभी के लिए सर्वाइव करना बहुत जरूरी। UP50 ऑलरेडी बैकफुट पे जा चुके, जो हम चीज की हम बात कर रहे हैं, चारों प्लेयर्स टीम सोल के अब आपको रश करते हैं, आप नजर आ जाएंगे सरकार के पास एक मौका क्लच करने का, पॉजिटिवली अगर देखा जाए। और नेगेटिवली अगर देखा जाए तो सरकार फंसते हुए अभी के लिए आपको नजर आ जाएंगे, सीढ़ी पे जा चुके। टीपी रहने की कोशिश उनके पास जरूर है, खराब शुरुआत टीम UP50 की, बट ऑशन अक्षत का वो नीड एक सिंगुलर नेट से पूरा का पूरा जो बैलेंस था वो अपने फायदे में डाल दिया टीम सोल के, उसे ग्रेनेड ने बहुत